हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं आवर फूडी मॉम से नितिका सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। मेरी आज रेसिपी उड़ीसा की फेमस स्वीट डिश है, जो उड़ीसा में ना इसके बिना कोई भी फंक्शन पूरा नहीं माना जाता है। जब तक ये स्वीट डिश ना खाया जाए, या पूजा हो या कोई भी फंक्शन हो, तो ये जो स्वीट डिश है ना, ये तो ज़रूर ही परोसा जाता है। तो जब मैंने खाया था ना पहली बार, तो मुझे भी लगा क्यों ना इस रेसिपी को मैं आपके सामने रखूँ और इसको बहुत ही ईजी वे में रखूँ, जिससे कि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो भी इस रेसिपी को आराम से बना सके और इन्जॉय कर सके। जो मैंने इसमें तकनीक बताई है ना, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि एक घंटों आपको इसको मतलब लगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में मैंने ये छेना पोड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी गाइस, जो बहुत ही ईजी वे में बहुत ही जल्दी बनने वाला है। और आप ये सोचेंगे कि ये तकनीक हमें पहले क्यों नहीं पता था। तो चलिए बनाना शुरू करते इस मज़ेदार रेसिपी को, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए, ये लगभग 2 लीटर दूध है, और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप गाय का दूध लें। तो सबसे पहले इसको फ्लेम में चढ़ा दें और इसको हल्का गर्म होने दें। जब हमारा दूध हल्का गर्म हो जाए, तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब विनेगर लिया है और 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर लें। अगर विनेगर ना हो तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2 चम्मच नींबू का रस तो 2 चम्मच पानी। तो इससे जब हमारा दूध गर्म हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके विनेगर मिलाकर इसका जो छेना है वो हमें अलग कर देना है, निकाल लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें विनेगर डालेंगे और जो इसका छेना है वो काफ़ी अच्छे से रिलीज़ हो जाता है, काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। तो कैसे कि हमारा जो छेना है बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको गाइस, कि इसको जो इसका पानी है उसको ड्रेन करेंगे। इसमें कपड़े का यूज़ ना करें, क्योंकि जो हम छेना पोड़ा बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा इसका पानी का भी ज़रूरत पड़ता है। ये पानी फेंके ना, इसका जो पानी है इसे ये सब्जी की करी में यूज़ हो सकता है और आटा भी गूंदा जा सकता है। तो इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इसको फेंके ना। सबसे पहले हम एक बॉल में अपने छेना को ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये जो पानी है इसको भी ना फेंके, क्योंकि ये पानी है ना काफ़ी, जो हम छेना पोड़ा बनाएंगे ना उसमें इस पानी का ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो 2 चम्मच के करीब सबसे पहले हमें इसमें सूजी मिला लेना है। इसमें एक कप के करीब मैंने चीनी लिया है, तो आप चीनी अपने मिठास के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों सामग्रियों को अच्छे से मिला लें। दो तीन मिनट के करीब इसको अच्छे से मिला लें गाइस। ये हमारा चीनी, सूजी और छेना अच्छे से मिल चुका है। इसको एक बर्तन से कवर कर लें और इसको हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से तीनों चीज़ें आपस में मिल चुकी हैं। अब इसको एक दो बार हाथों से इस तरह से मिला लें, इसको अच्छे से मिला लें। इसके बाद हमें इसमें ज़रूरत नहीं है घंटों हाथ से मेहनत करने की, आप इसमें मिक्सर जार में भी अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा यही नया तकनीक है कि आप इसको बिल्कुल घंटों में, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ग्राइंड हो जाता है। तो देखिए गाइस, कितना अच्छा हमारा क्रीमी फॉर्म में ये ग्राइंड हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसको एक दो बार इस तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून यानी आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल दें, यानी जो बेकिंग सोडा होता है वो। और इसमें 3-4 मैंने इलायची लिया है, उसको भी अच्छे से कूट कर उसका जो पाउडर है वो डाल दें, और उसका जो छिलका है वो अलग कर दें। इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल दें। आप इस समय इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। इसको इस तरह से मिला लें, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया है। जो उड़ीसा में जो ट्रेडिशनल छेना पोड़ा दिया जाता है, उसमें बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया जाता है, तो मैंने भी यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से इसको मिला लें, इसको काफ़ी अच्छे से 2-3 मिनट के करीब मिला लें। इस तरह से एक मोल्ड ले लें, मोल्ड में इस तरह से घी इसको अच्छे से मिला लें।
घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इस मोल्ड में मैंने अच्छे से घी मिला लिया है चारों तरफ। अब हम इस पेस्ट को डाल लेंगे इसमें। तो गाइज इस तरह से इसको ट्रांसफ़र कर लें अपने छेना पाउडर के पेस्ट को, इस तरह से इसको टैप कर लें। टैप करने के बाद एक स्पून की मदद से इसको इस तरह से बराबर कर लें, चिकना कर लें ऊपर से। तो गाइज इस तरह से इसको चिकना कर लें ऊपर से। इसके बाद मैंने अपना कुकर पहले से हीट होने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट पहले। इसमें एक स्टैंड रखा था और ये जो नमक रखा है इसमें, ये पहले भी बेक करने में यूज़ हो चुका है इसलिए इसका कलर इस तरह से है। इसको ढककर हमें 40 मिनट्स के लिए अपने कुकर में कुक करना है। इसमें इसका विसिल निकाल दे और इसका रबर भी निकाल दे, उसको अच्छे से ढक दे और बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इसको 40 मिनट्स के लिए कुक करना है। 20 मिनट बाद हम फिर से चेक करेंगे। तो गाइस 20 मिनट बाद देखिए हमारा कितना अच्छा छेना पोड़ा कुक हो रहा है, ये चारों तरफ से रेड हो रहा है अभी, लेकिन कुक नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। तो 20 मिनट के लिए फिर से हम इसको बंद कर देते हैं, 20 मिनट के बाद फिर से देखते हैं गाइस। तो अब हमारा छेना पोड़ा जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज में हमें अभी इस पे इसके अंदर ही छोड़ दें 2 मिनट के करीब और फिर इसको निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसको इस तरह से टैप कर ले। टैप करने के बाद देखिए गाइस कितने अच्छे से ये निकल चुका है। इसके बाद इसको अच्छे से अपने मनपसंद डिज़ाइन में कट कर ले और ये बहुत ही इजी वे में ये मैंने आपको छेना पोड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। गाइस देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये छेना पोड़ा हमारा, ये ट्रेडिशनल उड़ीसा का स्वीट डिश छेना पोड़ा जिसके बिना सारे फंक्शन अधूरा माना जाता है गाइस। तो ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपके साथ छेना पोड़ा की रेसिपी शेयर की है गाइस। ये बहुत ईजी वे में, इसमें ये नहीं कि आपको घंटों हाथों का मेहनत करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप इस मिक्सर ग्राइंड में अच्छे से 2-3 मिनट के करीब चला देंगे और ये काफ़ी अच्छे से क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। तो ये छेना पोड़ा की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।